हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी कैंप। आप सभी का एक स्टडी कैंप पे स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पे पल पल की अपडेट्स रेलवे की मिलती रहेगी। आज हम आप लोगों को रेलवे ALP परीक्षा की जो आफ्टर CBT 2 होने के बाद जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो जारी हो गया है उसका एक्सपेक्टेड कटअप हम बहुत लोगों से पूछने के बाद और दोस्तों से चर्चा करने के बाद हमने एक लिस्ट तैयार की है, ताकि आप लोगों को अनुमान मिल सके कि कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा मतलब कि रेड जोन है जिसकी कटअप सबसे ज़्यादा जाने वाली है, और कौन सा मीडियम जोन है जिसकी मॉडरेट रहेगी और जो सेफ जोन है। तो चलिए हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हाई कटअप डेंजर जोन का कौन कौन सा है। तो ये देखिए हमने चार जो बोर्ड चुनी है वो आपका अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया और मुंबई। ये जो है ये थोड़ा डेंजर जोन है हमारे अनुमान से, क्योंकि इसमें कट ऑफ CBT 1 और CBT 2 में भी ज़्यादा गई थी, उसी के आधार पे हमने इसका कट ऑफ भी बनाया है और अभी जो रिजल्ट आई है उसके भी बेसिस पे हमने ये चार को डेंजर जोन में सेलेक्ट किया है। अब आप आगे देखिए, ये आपका मीडियम जोन है। तो मीडियम जोन में हमने बहुत सारे जो गोरखपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, अलाहाबाद, पटना, कोलकाता, रांची, सिलीगुड़ी, चेन्नई, गुवाहाटी, ये सभी जो हैं इनका कटअप आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट जिसका कटअप जाने वाला उसमें भी ज़्यादा हमने नहीं रखा है। सेफ जोन में आपको बस चार है, जो कि जमुई, मालदा और बिलासपुर और बेंगलुरु है। तो कटअप ज़्यादा भैरी तो नहीं करता, लेकिन कुछ ही जोन होते हैं जो जिसकी कटअप की सबसे ज़्यादा चली जाती है, जिसकी कटअप सबसे थोड़ा कम चली जाती है, तो वो दो चार ही जोन होता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि सेफ जोन में आपका जमुई और मालदा और बिलासपुर और बेंगलुरु से अगर आपका फॉर्म गिरा हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका कटअप थोड़ा कम ही जाएगा, 4-5 नंबर अदर बोर्ड से कम रहेगी। और जो हाई कटअप रहेगा इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा चला जाएगा, जो इस मीडियम जोन वाले जोन हैं इनसे थोड़ा इनका कटअप ज़्यादा रहेगा। तो चलिए देखते हैं हाई जोन डेंजर जोन में जो आपका कटअप रहेगा, ये हमने अनुमान से बनाया है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम वैकेंसी भी दिखाएंगे। तो वैकेंसी जो यहाँ पे आपका अजमेर बोर्ड में है, तो वैकेंसी अजमेर बोर्ड में 1100 ALP की वैकेंसी है। ये ALP की हम बात कर रहे हैं, तो ALP की वैकेंसी यहाँ पे 1108 है। तो 1108 आपको जैसा कि पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे 8 गुना रिजल्ट देगी, तो 8 गुना तो 8864 रिजल्ट देगी। अब देखिए यहाँ पे जो कटअप जाएगी अजमेर का वो 55 है और यहाँ पे OBC जो है वो 52 रहेगी और यहाँ 45 और 39। इसमें आप ±3 ±2 ±4 ±, इसके अनुमान से आप आगे पीछे, अगर आपका 57 है, अगर आपका 45 है, 50 है, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। अब भोपाल में देखिए, भोपाल में 110 है इनका, जो ये गलती हुआ है 110 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा नहीं, अब भोपाल में देखिए यहाँ पे 1110 पोस्ट है, तो यहाँ पे 8000 का सिलेक्शन होगा ALP के लिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो अनुमान है 53, OBC के लिए 50 और इसके लिए 40। इसमें भी आप आगे पीछे ±3-4 नंबर हर कैटेगरी में आप जोड़ पा सकते हैं। 53 हमने अनुमान से बनाया है, तो आप इसमें 50 भी जिसका है तो हो सकता है कि 50 भी जा सकता है, 53 भी, 49, 45, 46 कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। आप तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो यहाँ पे 162 सीट है, सीट तो बहुत कम है यहाँ पे, तो उस हिसाब से 1296 रिजल्ट देगी ALP के लिए। तो यहाँ भी देखिए 54 हमने अनुमान लगाया है, 50 OBC के लिए, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, और इसके लिए यहाँ देखिए मुंबई भी आपका एक डेंजर जोन में ही है, यहाँ पे भी कटअप आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 52 है। अगर आपका 50 भी है तो आप सेफ जोन में हैं, 45 है, 40 है, 38 है। तो चलिए अब हम जो मीडियम जोन है उनकी बात करते हैं। अब देखिए मीडियम मॉडरेट जोन की हमने भी एक लिस्ट तैयार की है, तो आप ताकि आपको एक आसानी हो सके अपना मार्क्स को कंपेरिजन करने में। ये देखिए गोरखपुर की देख लीजिए, गोरखपुर में आपका 1681 वैकेंसी थी, उस हिसाब से यहाँ पे साइको के लिए 13448 का रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए 47 UR के लिए है, यहाँ पे 44 आपका इसके लिए OBC के लिए है, 36 आपका SC के लिए और 31 ST के लिए। इसमें भी आप आगे पीछे अगर 2-4 नंबर आपका कम या 2-4 नंबर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 नंबर आपका कम भी हो सकता है, 2-4 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है। हमारी अनुमान ये एक एक्सपेक्टेड है, हम कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड कटअप है, अनुमान ही लगाया है हमने। अहमदाबाद में देखिए 365 सीट है, इसमें भी आपका देखिए हमने गुना करके जो साइको के लिए रिजल्ट है वो इतना सीट आपका आएगा, 47 देखिए इसका भी कटअप हो जा सकता है, 47 के आसपास प्लस माइनस में 3-4 नंबर जो होगा, 43 इसके लिए हमने अनुमान लगाया है, 39 इसके लिए, 38 इसके लिए, सिलीगुड़ी के लिए ये। अब आप देखिए यहाँ पे 45 इसका है, 44 OBC का है, 35 है इसका, 30 जाएगा। चंडीगढ़ भी आपका थोड़ा ज़्यादा कटअप जाने का है यहाँ पे, या इसलिए हमने यहाँ पे 49 इसका हमने मैक्सिमम रखा है, 49 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप देखिए OBC के लिए 45 है, इसके लिए 35 हमने बनाया है, इसके लिए
30 है। सीट यहाँ तो बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पटना के लिए पटना में कट ऑफ कम जाने की अनुमान है, ये आपका सेफ जोन ही है, लेकिन फिर भी हमने इसको मीडियम जोन में रखा है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि बढ़ भी सकता है मार्क्स। अब देखिए रांची जोन, रांची में भी आपका 2031 है, सीट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपका ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी आपका 16,000 सीट आपका यहाँ पे, ये भी आपका एक मतलब मॉडरेट में ही है। यहाँ पे आपका 47 और 43 आपका, अगर 43 आपका ओबीसी के लिए जाएगा और एससी के लिए 37 जाएगा और एसटी के लिए 35। अब कोलकाता की देखिए 1409, यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ उतना ज़्यादा जाने की चांस नहीं है सीबीटी 1 में, जैसा हमने देखा था सीबीटी 2 भी देखा उतना ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ अब आप देखिए, यहाँ पे आप शुरू से देखिए सबका आपका 40 के आसपास, सब मतलब आगे पीछे है एक दो नंबर से आपका अनुमान। और नीचे भी आप देख लीजिए, गुवाहाटी और भी आपका कम ही रहेगा, अलाहाबाद, अलाहाबाद भी आपका एक डेंजर जोन में आता है, इसका भी हम कह नहीं सकते, हमने 49 लिखा है, लेकिन हो सकता है कि 50-52 इसका आगे पीछे जाएगा, आगे ही जाएगा, कम तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ओबीसी के लिए हम बात करें तो ओबीसी के लिए आप देखिए 46 है और एससी के लिए 43 और एसटी के लिए 39 सीट। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका 33,888 सिलेक्शन होगा अलाहाबाद में। तो अगर आपका 52 से ज़्यादा है, 52 या फिर ओबीसी में है, अगर आप 52 से ज़्यादा है और ओबीसी में अगर 46-50 से ज़्यादा है आपका, तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन तो होगा ही साइको के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट के लिए। मेरिट के लिए जो होगा, अगर आप 60+ हैं आपका, अगर 60 या फिर 65+ है आपका मार्क्स, तो उम्मीद है कि आपका मेरिट भी तैयार होगा। और लेकिन इस बार जो आपका बदलाव हुआ है, पहले आपका साइको का मार्क्स ऐड नहीं होता था, लेकिन इस बार साइको का आपको जैसा कि पता है रेलवे बोर्ड का नोटिस के द्वारा कि 30% जोड़ेगा। तो अगर आपका मार्क्स अभी अगर कम भी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, साइको का अच्छा से तैयारी कीजिए, साइको में अच्छा मार्क्स लाने की प्रयास कीजिए, ताकि आप अगर आप डेंजर में हैं, थोड़ा सा कम मार्क्स है तो आप साइको में अच्छा कर गए तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब हम कुछ सेफ जोन 2-4 हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए सेफ जोन में आपका देखिए, इसकी भी एक्सपेक्टेड कुछ सीट तैयार की है। बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर जोन जो है उसमें आपका थोड़ा कम जाएगा, 45 OUR के लिए हमने रखी है और OBC के लिए। आप सीट वैकेंसी भी देख लीजिए, 1484 है, यहाँ 11,872 वैकेंसियाँ, यहाँ पे रिजल्ट जो है 11,872 आपको सिलेक्शन होगा साइको के लिए। बेंगलुरु में देखिए, बेंगलुरु का कटअप तो कम जाएगा, ये हमने 45 रखी है, 45 से ज़्यादा जाने की चांस नहीं है, यहाँ पे कम ही जाएगा, 41 OBC के लिए बहुत है यहाँ पे, 35 इसके लिए 30 सीट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और मालदा के लिए, मालदा के लिए 801 आपका यहाँ पे है, 8 गुना रिजल्ट देगा, तो मालदा में भी कम कट ऑफ जाएगा। जम्मू में तो कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांस नहीं है, हमने जो बनाई है इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपने देख लिया, मीडियम जोन भी देख लिया, रेड जोन भी आपने देख लिया कि रेड जोन कौन सा था, मोर सेफ जोन भी देख लिया। अब आप इसके आधार पे आप अपना मार्क्स को कंपेयर कीजिए, देखिए कि आपका मार्क्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ लोकेट कर रहा है, उस हिसाब से आप साइको की तैयारी कीजिए, जोर शोर से कीजिए, ताकि आप साइको में अच्छा मार्क्स उठा सकें, 30% में आप अच्छा स्कोर कर सकें, जो कि आपको रिजल्ट में दिक्कत ना हो, मेरिट तैयार हो। और हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट साइको की प्रिपरेशन के लिए, साइको में एकदम जुट जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी संबंधित आपको हम उपलब्ध कराते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।